आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। झारखंड की महिलाओं ने अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। वहां की महिलाएं इसके लिए हस्त निर्मित गुड़िया बना रही हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को भी साकार कर रही हैं। उनके द्वारा तैयार की गई ये झारखंडी गुड़िया दुनिया भर में फेमस बार्बी डॉल को भी कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरत है उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिए जाने की, जिससे उनकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक हो सके। इन महिलाओं द्वारा तैयार की गई ये गुड़िया संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम कर रही हैं, जिसके लिए रांची की शोभा कुमारी और उनकी टीम ये खूबसूरत गुड़िया तैयार कर रही हैं। उनकी टीम मुख्य रूप से झारखंड की संस्कृति और नृत्य रूपों पर ध्यान केंद्रित करती है। वहीं ये झारखंडी गुड़िया लोकल फॉर वोकल की जीती जागती मिसाल है। जब दीदी के बारे में पता चला कि यहाँ डॉल सिखाती है, तो ये तो निशुल्क ट्रेनिंग दी दीदी हमें। उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद साथ में ही दीदी के साथ जुड़ गए और धीरे धीरे काम करने लगे दीदी के साथ, जिससे बहुत खुशी होता है। जैसे हम तो यहाँ झारखंड से हैं, झारखंड की जो गुड़िया बनाते हैं तो अपने आप में एकदम अच्छा लगता है कि हम अपना मतलब संस्कृति के बारे में बना रहे हैं। गुड़िया बनाने में जो हमें मतलब प्रॉफिट होता है, उससे हमारा अपना खर्च निकल जाता है। जो हम किसी के ऊपर अपना मतलब किसी से मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है, हम अपने आप मतलब काम करके अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। देश में जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो वुडन डस्ट है, जो लकड़ी का बुरादा जिसको कहेंगे, वो लकड़ी का बुरादा है, कपड़ा है, और इसका फेस हम लोग मिट्टी से बनाते हैं। ये डॉल जो बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन किसी कारण से अब ये विलुप्त हो चुका है, जिसको हम फिर से इसको बनाकर इसको मार्केट में लाने का कोशिश कर रहे हैं। इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कुछ थोड़ा हटकर है, यूनिक है और कस्टमाइज्ड है। ये इसको हम जिस कल्चर में भी बनाना चाहे उसमें बन सकती है ये। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।